15 नवंबर को एहसन खान ने एक पॉडकास्ट शेयर किया जिसमें अदाकार एहसन खान और खूबरू अदाकारा सबा कमर एक दूसरे से हंसी मजाक के अलावा रोजमर्रा की बातें शेयर कर रहे थे। पॉडकास्ट के दौरान एहसन खान ने सबा कमर से सवाल पूछा कि किसी ऐसे हीरो का नाम बताएं जो शादीशुदा ना होता और आप भी किसी के साथ ताल्लुक में ना होती और आप उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर लेती। सबा कमर ने फौरन एहसन खान की तरफ इशारा किया और कहा कि जब मैं अदाकारा नहीं थी तो मैंने कहीं से एहसन खान का नंबर ले लिया था और उन्हें मैसेजेस और कॉल्स करती थी कि मुझे उनके साथ सिर्फ एक बार काम करना है। सबा कमर ने कहा कि वो इस बात का पहली बार एतराफ़ कर रही हैं। उन्होंने हंसते हुए बताया कि जब मैंने एहसन के साथ काम किया तो उन्होंने मुझसे लड़ाई की और मैं रोना शुरू हो गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे इनकी समझ आने लगी। सबा कमर ने बताया कि मुझे फिर इनसे प्यार हो गया और जब उनसे अपने जज्बात का इजहार करना था तो एहसन खान की जिंदगी में भाभी आ गई और मुझे देर हो गई। इस दौरान एहसन खान ने कहा कि मैं समझता रहा कि सबा कमर का कहीं और रिश्ता हो चुका है या वो लव मैरिज नहीं करेंगी, जिसके जवाब में सबा कमर ने कहा कि जब लड़कियां बोलती हैं कि नहीं करूंगी तो इसका मतलब है वो करेंगी। सबा कमर ने कहा कि उन्होंने एहसन खान की खातिर अंदरूनी सिंध जाकर एक फिल्म भी की जो वो कभी किसी के लिए ना करती। याद रहे कि एहसन खान की फातिमा के साथ शादी 2008 में हुई थी। अदाकार अब दो बेटे और दो बेटियों के बाप बन गए हैं। दूसरी जानिब सबा कमर ने भी हाल ही में मोहब्बत में गिरफ्तार होने का इंकशाफ किया था, लेकिन इन्होंने उस शख्स का नाम नहीं बताया कि वो किसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं।